आज की बैल टीवी रतलाम जिला संवाददाता श्याम डुलगज की रिपोर्ट। मोहल्ले में आए दिन कभी भी लाइट बंद हो जाती है, कोई सुनवाई नहीं करता। जब फोन लगाकर पूछते हैं तो कहते हैं कि हम बाहर हैं। बिल बांटने वाले को फोन लगाया तो उनका कहना है कि ये हमारा काम नहीं है। कर्मचारियों की लापरवाही से ग्रामीणों को परेशान होना पड़ता है। पंचायत शेरपुर खुद के ग्रामीण परेशान रहते हैं। मोहल्ले की स्ट्रीट लाइन भी बंद रहती है, आए दिन चालू नहीं रहती है। जब इसे स्ट्रीट लाइन के सिलसिले में सरपंच साहब आश्रम मुल्तानी से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा दायित्व नहीं है, अभी ये मंत्री साहब का काम है। क्या समस्या आपकी? लाइट बारिश से खराब हो रही है भाई। बारिश की समस्या आपकी? मालवी मोहल्ला ही है ये, मालवी और सूर्यवंशी मोहल्ला, दोनों मोहल्ले में लाइट बहुत बार खराब हो गई भाई। यानी ऐसी एसटी के मोहल्ले में दिक्कत आ रही है? हाँ। कितना समस्या आ रही है? कोई समस्या को कोई समाधान नहीं हो रहा है, बार बार ऐसे कर देते हैं। महीने में दो या तीन बार तो हो ही जाती है बंद। तो कितने समय से प्रॉब्लम चल रही है? 3-4 महीने हो गए। कभी भी मतलब अदरवाइज रात को बंद हो जाती है? आपका शुभ नाम? सत्यनारायण माथुर। आप कुछ कहना चाहोगे भैया? यही कि बार बार समस्या आ रही है, महीने में 3-4 बार तो बंद हो जाए। लाइटमैन पे फोन लगाते हैं कि हाँ वो करते हैं ना, वो करते हैं ना, करते ही नहीं है वो तो। अच्छा, क्या बताते हैं? बाहर रहते हैं आदमी? हाँ बाहर रहते हैं, मैं यहाँ हूँ, ये काम मेरा नहीं है। ने दूसरे को बोल देते गाँव वाले को तो वो उनके हिसाब से पहुँचाते हैं, फिर वो उनको कहने जाते तो वो उनके हिसाब से करते हैं। और क्या, बाकी वही केबिल ला के बार बार जोड़ जाते और बस। आपका भैया इस बारे में क्या कहना है? यही समस्या है कि लाइट बार बार बंद होती है हमारे। और इस तरह यही है दिक्कत आती है, बहुत रात रात में लाइट बंद होती है ना, बहुत दिक्कत आती है। बार बार यहाँ ट्रांसफॉर्म के पास आना पड़ता है। ग्राम पंचायत कौन सी आपकी? शेरपुर खुर्द।